वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गवा साहब, अशोक लेलैंड को लेकर चर्चा कल भी हुई थी, आज देखिए एक और उछाल लगाकर 141 के लेवल्स पर, अब की बारी क्या 150 टारगेट है? इनफैक्ट मैंने कहा था कि कल 150 का टारगेट है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है 100 और 120 के मूव में बहुत एक साल का हुआ है। अब मैं उसको टारगेट को मॉडिफाई करता हूँ, 150 नहीं 160 कह रहा हूँ, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है अशोक लेलैंड। हाँ, 130 में जो ब्रेकआउट मिला उतना स्टॉक चाहिए, अब ट्रेड कर रहा है 141 में, लेकिन अगर हम 160 देखते हैं, फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए कैश मार्केट में 160 टेक के टारगेट लिए। वक्त लगेगा, लेकिन यस 160 पॉसिबल अशोक लेलैंड। ये अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर देखिए 140-145 पे ट्रेड करता हुआ, 15 पे ट्रेड करता हुआ, और एक दो स्टॉक्स और ले आइए जहाँ पे स्विंग अपर स्विंग काफी अच्छे खासे बढ़ते हुए। HDFC का जिक्र मैंने किया था, अब अगर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी हाई की डायरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कोटक बैंक, इसे आप कह सकते हैं खरा सुना है इस वक्त, और लेके आइए फिर जरा आप एक बार हिंद पेट्रो, अगर आप देखें लोअर लेवल से एक पुल बैक देता हुआ, और मैं यहाँ पे जरा एक बार कोटक के नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ। असित, कुछ देर पहले आपने कोटक के बारे में टिप्पणी की थी, आपने कहा था इट्स अ डे कॉल और आप कैरी नहीं करेंगे, बट असित ये कोई छोटा मोटा अगर आप देखें ब्रेकआउट नहीं है, इसके पीछे एक नवंबर 2021 से लेके अब तक, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,